अब मैं अपने सभी ट्रैवलर दोस्तों को इस यही सजेशन देना चाहूँगा, जो भी बुरुंडी आना चाह रहा है, बुरुंडी में वापस नहीं आऊँगा कभी, महा कसम। ऐसे ऐसे दिन दिखा देना जो मैंने अपने लाइफ में स्टार्टिंग में देखे थे। यहाँ पे इनका मीट खाते हैं, नाइस। ओके बाय बाय, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। मेरा नाम है प्रदीप प्रणा, उत्तराखंड गरुड़ बागेश्वर से, और मैं हूँ वर्ल्ड टूर पे। और अभी मैं हूँ बुरुंडी के छोटे से टाउन कियांजा में, और आज मैं निकल रहा हूँ कियांजा से बुजुम्बुरा की तरफ। और ये कुछ बाहर का नज़ारा है मेरी खिड़की से, ये आप देख सकते हो आके लोकल घर। तो मुझे जाना है उस तरफ को, और मुझे आज पहुँचना है यहाँ से 100 किलोमीटर पर बुजुम्बुरा है। मेरे पास इंटरनेट और कुछ भी नहीं है, तो मैंने जो भुजुमरा हमारे रोटरी क्लब वाले हैं, जो हमारे गुजराती भाई हैं, जो हमारे उत्तराखंडी भाई हैं, सबको बोल दिया, अपना सबको मैंने बोल दिया अपना एड्रेस दे दो मुझे, जिसका भी एड्रेस सबसे पास लगेगा उसके पास ले आऊँगा मैं। दोस्तों मैं निकल रहा हूँ भुजुमरा की तरफ, 10 बज गए हैं, आई होप 3-4 बजे तक पहुँच जाऊँ, टाइम बहुत कम है मेरे पास, लिमिटेड 2-3 दिन बचे हैं। ओके ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। एक खबर और मेरे पास आ रही है यार भुजुमरा से, कि वहाँ पे साइकिल्स और 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं किए हैं गवर्नमेंट ने। दोस्तों घर यहाँ पे इस टाइप के होते हैं, टीन शेड टाइप के, अभी पूरा डाउन ही है नीचे को, और ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे यार। मैं टोपी लगा ली है। सलाम, आज जरा पैर का दर्द यार कम तो नहीं है, पर वैसे ही है, अभी पुश कर रहा हूँ जितना हो सके, अभी राइट में कम हो गया, लेफ्ट में आ गया दर्द, ये पता नहीं कैसा दर्द है। यहाँ की कंडीशन बड़ी अजीब है यार, यहाँ पे मैंने देखा पूरे बच्चे जो हैं खेत वहाँ पे ईंट की भट्टियों में काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे जो काम है वो है खेत वाला, और मतलब कि बहुत हार्ड लाइफ है यहाँ की, यहाँ गरीबी होती है, वहाँ पे बहुत हार्ड लाइफ होती है यार। दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये इनके पास रैबिट है, यहाँ पे इनका मीट खाते हैं, ये देखो यार, नाइस। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीबी है यार, इतनी गरीबी तो मैंने केन्या युगांडा रवांडा कहीं पर कहीं भी नहीं देखी। यहाँ पर जो घर हैं बहुत ही बेकार हालत में हैं, जो लोग रह रहे हैं बहुत ही बेकार हालत में रह रहे हैं। इस रोड में ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चल रही है, अकेले अकेले चलना पड़ रहा है। आपको यहाँ पे जितने भी लोग मिलेंगे सब आपको मजुंगू बोलेंगे, मजुंगू का मतलब होता है वाइट मैन। यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल सी नदी भी चल रही है साथ में, और साथ में खेती भी है बगल में, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सीन। यहाँ को गर्म हो रहा है, पीछे ठंडा था ऊपर पहाड़ों में, अभी आगे गर्म है बता रहे हैं, लेक है पास में भुजुमरा के पास, तो गर्म है वहाँ पे, पैर बहुत दर्द कर रहा है यार, छी। तो दोस्तों चढ़ाई में हूँ, मेरे पीछे ये यहाँ के लोकल लोग चल रहे हैं। तो यार यहाँ पे गरीबी बहुत है, मैं इनकी गरीबी दूर नहीं कर सकता हूँ। अभी पीछे ये लोग खेत से काम करके आ रहे हैं, किसान लोग हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से ही आता हूँ, तो मैं इनको ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, पर मेरे पास 2000 रुपये हैं, आई होप इन्हें कुछ काम लगे। मैं सुनील पाठक जी को थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने मुझे इंडिया से 5000 का डोनेशन दिया ऐसे लोग को सपोर्ट करने के लिए। बेचारे ये लोग इतने धूप में नंगे पाँव चल रहे हैं टरमैक पे। सलाम, यू कैन टेक, ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके टेक केयर। सलामा 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 मोजो सलामा। दोस्तों यहाँ पे ये लोग कोयला बेचते हैं, लोकल इनका उत्पादन होता है, छोटे छोटे घर हैं लोगों के, यहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट है, आप देख पा रहे हो गए। सलामा, वाह कितना ब्यूटीफुल चाय बगान है। हाँ दोस्तों जो मैंने अभी तक बॉर्डर से यहाँ तक देखा है, यहाँ पे लोग मोस्टली कॉफ़ी, पैशन फ्रूट,
टोमेटो फ्रूट और बहुत सारी वेजिटेबल्स उगाते हैं और बेचते हैं। उसके अलावा कोयला, कोयला भी बेचते हैं लोग, और कैबेज वेजिटेबल्स जो भी हैं सब बेचते हैं यहाँ पे। तो मोस्टली यहाँ पे जो लोगों का उत्पादन है वो यही चीज़ों से होता है, लोकल नेचुरल रिसोर्स से। और यहाँ पे मैंने कोई अभी तक मैंने यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज़, कोई बड़े बड़े वो नहीं देखे, कोई बड़े बड़े मार्ट, कोई शॉप, कोई बड़े बड़े ऐसे वो नहीं देखे। ओह भगवान जी, अब साइकिल नहीं चलने वाली है, पैर बहुत दर्द हो रहा है, चढ़ाई चढ़ाई है। पूरा बुरुंडी कंट्री पूरा पहाड़ों में बसा है भाई, यहाँ तो कोई राहगीर की मदद भी नहीं कर रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा है, और गाड़ी भी बहुत कम चल रही हैं। ऐसे कैसे पहुँचूंगा मैं 3 दिन में बॉर्डर तंजानिया? तभी हमेशा मेन हाईवे में रहना चाहिए, अगर आपके साथ कोई दिक्कत भी हो जाए तो आपको फटाफट वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। अब ऐसे रोड में जहाँ कोई है नहीं, जहाँ गाड़ियाँ ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। पर किस्मत मेरी ऐसी थी, क्या कर सकते हैं। जितना रेस्ट किया था कि गाली में सब निकल रहा है, हे भगवान, हाल खराब होगी यार। 1 2 3 4 नो। दोस्तों भूख बहुत लगी है और मैंने ये पूरा ले लिया। ये छोटे छोटे पीस तो दे नहीं रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनको पूरा ही बेचना है यहाँ पे। तो मैंने कहा 2000 का दे दो, फिर 2000 का उन्होंने दे दिया। तो उसको मैं देखता हूँ पूरा खा पाता हूँ नहीं खा पाता हूँ, तो लिया तो नहीं पाऊँगा उसको मैं भाई। इतने सारे तो मैंने निपटा दिए हैं, पर इतना मैं निपटा नहीं पाऊँगा। माई फ्रेंड, डू यू वॉन्ट बनाना? ओके 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 तुमसे खरीदा, तुम ही खा रहे हो। आई बाय फ्रॉम यू एंड यू आर ईटिंग, ओके नो प्रॉब्लम, दैट इज गुड। ओके उसको भी दे दो। दोस्तों पूरे निपटा दिए खेले, पूरा खाली कर दिया है, हम पेट भर गया। अब 1 महीने तक कुछ नहीं चाहिए। ये चढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। केले खाने के बाद यहाँ जाना ही है। भयंकर पहाड़ी पहाड़ दिख रहे आगे के। 3 बज चुके हैं, अभी तक मुझे 50 किलोमीटर और बचा है बुजुम्बा जाने का। अभी तक मैं किसी गाँव में पहुँचा हूँ। दोस्तों सामने का व्यू देखो, पूरे पहाड़ी पहाड़ है, और इस पहाड़ में हम चल रहे हैं। अरे बच्चे मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं, मैं क्या करूं, मैं दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे देखने के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अंधेरा होने का टाइम आ गया है, 5 बजने वाले हैं, अभी तक कोई सेफ लोकेशन नहीं मिली है। हेलो, तो बुजुम्बुरा ये बोल रहे हैं कि डाउन में है। बुजुम्बुरा डाउन, बुजुम्बुरा बुजुम्बुरा अप डाउन डाउन, ओके थैंक यू। तो यहाँ पे ऐसा करके पूछ के काम चलाना पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती लोगों को। ओहो भगवान करे आप डाउन डाउन हो, मेरे पास 2 घंटे हैं अंधेरा होने तक। 5 6 7 बजे तक अंधेरा ना हो तो मैं पहुंच जाऊंगा, और अंधेरे में बहुत डर लगता है मुझे यार। और एक तो मेरे पास नेट नहीं है, उसके अलावा फिर बुजुम्बुरा में कुछ दिक्कतें हैं, साइकिल नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते, और डर लगता है ज़रा। दोस्तों आप डाउन आ गए हैं, मैं अपने सभी ट्रैवलर दोस्तों को यही सजेशन देना चाहूँगा, जो भी बुरुंडी आना चाह रहा है फ्यूचर में। तो यार अगर आप फ्लाइट टू फ्लाइट ट्रैवल करते हो, यहाँ अभी चाय करो गाड़ी में ट्रैवल करते हो, तब तो आप यहाँ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं होगी। पर अगर आप साइकिल में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यहाँ बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा। मत आना, मैं तो बोल रहा हूँ मत आना, मैं भी नहीं आऊँगा, मैं भी नहीं आता, मैं गलत आ गया इधर। यहाँ से पहले मुझे 100 किलोमीटर मुझे एक टाउन मिला है जहाँ, और बीच में इनके बीच में कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है, क्योंकि गरीब कंट्री, तो इस बॉर्डर वाले रास्ते मुझे कोई रेस्टोरेंट ही नहीं मिला। और गलती से अगर आप कहीं फंस जाओ, कोई आपको लिफ्ट भी नहीं देगा। तो मैं पहाड़ों से नीचे उतर गया हूँ दोस्तों, मैं पूरे रेन फॉरेस्ट देख रहे हो आप, पूरे ट्रॉपिकल वाले रेन फॉरेस्ट आ चुका है। मतलब पूरा जो यहाँ पे फॉरेस्ट है, पेड़ भी चेंज हो गए हैं, ऊपर दूसरे पेड़ थे, यहाँ पे पूरे ऐसे जैसे समुद्र किनारे होते हैं। आज मेरे हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं फील नहीं करता अपने पैरों को, हाथों को, इतना दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द होने लगा नीचे तलवे में। मेरा मन तो करा कि यहाँ कट जाए तो अच्छा है, पर चलना है आज कुछ भी जाए। और एक तो रात हो रही है, रात का डर अलग है, बहुत टेंशन है यार। आज का दिन तो मैं ब्रुंडी भूल नहीं पाऊंगा, ब्रुंडी में वापस नहीं आऊंगा अभी, महाकसम ब्रुंडी में वापस नहीं आऊंगा भाई। ब्रुंडी ने ऐसे ऐसे दिन दिखा दिए ना जो मैंने अपने लाइफ में स्टार्टिंग में देखे थे नेपाल में। अब डाउन आ जाए भगवान, जरा डाउन आ जाए भाई। दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं बुजुम्बुरा, और ये सामने है आपका बुजुम्बुरा टाउन।
आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा एक बार रुक के आपको दिखा देता हूँ। तो सामने पूरा बड़ा सा बुजुमबुरा का टाउन है, गुड मॉर्निंग गाइस। जो कल का ब्लॉग था वो मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि कल रात बहुत लेट हो गई थी, और कल मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपको पूरी स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो